नमस्कार साथियों, आज वीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। जिसके इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वो डिस्क टाइप होंगे, ठीक है, डिस्क टाइप मॉलिक्यूल होंगे। इसके पहले की क्लासेस में हम लोग देखा था जो मॉलिक्यूल थे, जो कैलामेटिक भी था, ठीक है, कैलामेटिक में हम लोग देखा था इसके जो मॉलिक्यूल थे वो रॉड शेप थे, ठीक है ना, और इलांगेटेड फॉर्म में थे। इसके मॉलिक्यूल जो थे कुछ इस तरीके से पाए गए थे। जबकि डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल पाए जाएंगे यहाँ पे आपके डिस्क टाइप पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब हुआ क्या, 1977 में जैसे लिक्विड क्रिस्टल थी, ठीक है, इसका हम लोग कॉमर्शियल तौर पे उपयोग करने के लिए कुछ इसका हम लोग बनाना शुरू किया, ठीक है ना। जब इन्होंने अब बनाया, उन्होंने कौन से किया, शिव राम कृष्ण और चंद्रशेखर उनके कलीग, ठीक है, उनके सहयोगी थे। उन्होंने जब इस लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियल तौर पर जब उपयोग करने के लिए सोचा, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है जो डिस्क टाइप बन रहा है, ठीक है ना, तो उसी लिए इसका नाम डिस्कोटिक बना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस कहानी को समझ सकते हैं पहले बेसिक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या कैसे बताया, ठीक है। इन सितंबर 1977 व्हेन द रॉड लाइक थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल स्टार्टेड ट्रांसफॉर्म कॉमर्शली डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, शिव राम कृष्ण चंद्रशेखर एंड हिज कलीग्स स्टेटेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आप थर्मोट्रॉपिक मीजो मार्फिज्म इन प्योर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम सिंपल प्लेट लाइक मोर अपेपरली डिस्क लाइक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये कि ये शिवराम कृष्ण चंद्रशेखर, ठीक है, इन्होंने इनके सहयोगी उन्होंने क्या देखा, जो हम लोगों ने देखा था थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल में क्या है, तीन थे। पहला आपका था कैलामेटिक, दूसरा आपका था डिस्को टाइप, ठीक है, और तीसरा आपका है बेंट, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग डिस्कोटिक पढ़ रहे हैं। अब थर्मोट्रॉपिक जब लिक्विड क्रिस्टल को इन्होंने हीट करना शुरू किया, तो इन्होंने देखा क्या कि जो इसके मॉलिक्यूल हैं वो पहली बात एक कंपोनेंट में हैं और शुद्ध हैं, ठीक है, और उनके जो मॉलिक्यूल हैं पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया वो प्लेट जैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने देखा कुछ इस प्लेट के आकार के बन रहे थे, लेकिन यह क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होना शुरू किए, ठीक है, जैसे एक के ऊपर एक जब से इकट्ठा हुए, तो इन्होंने देखा कि जो मॉलिक्यूल हैं डिस्क टाइप बन रहे हैं, इसीलिए इसको डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल कहा गया, ठीक है ना। अब इस चीज़ को मैंने नॉर्मली बता दिया है, बाकी आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा है वैसे ही। दे मेड नंबर ऑफ बेंजीन हेक्सा एंड एल्कोनेट एंड विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑप्टिकल एक्सरे स्टडी दे प्रूव दैट दीज मटेरियल आर डिफरेंट क्लास ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इन विच मालिक्यूल आर अरेंज इन वन ऑन द टॉप एंड अदर आर इन कॉलम मेकिंग हेक्सागोनल अरेंजमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, जो इन्होंने थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल से जो ऑब्जर्व किया था, जब इन्होंने डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को बना रहे थे, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था जो कि मालिक्यूल थे आपके डिस्क टाइप बन रहे थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बनाया कैसे जा रहा था, उन्होंने क्या किया था, कोई बेंजीन मॉलिक्यूल लिया था, ठीक है ना, ये बेंजीन हेक्सा एन एल्कोनेट ये आपके मॉलिक्यूल है। अब इन्होंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल के द्वारा डिस्को टाइप लिक्विड क्रिस्टल उन्होंने बना लिया, ठीक है ना। अब इस चीज़ को उन्होंने जैसे उन्होंने बताया था कि आपके वन कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है, उन्होंने बताया आप लोग वन कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट, ये आप लोग फिजिक विद्या में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, वन कंपोनेंट सिस्टम में देखा कि वन कंपोनेंट सिस्टम में ये लिक्विड क्रिस्टल जो है डिस्को टाइप वन कंपोनेंट है, प्योर है, एकदम शुद्ध रूप में है, ठीक है ना, तो ये सिंगल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या किया कि बेंजीन हेक्सा एन एल्कोनेट ये मॉलिक्यूल लिया और इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। अब ऑब्जर्व करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की इन्होंने, इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी होती है, एक्सरे आपकी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, इसके माध्यम से इन्होंने जब स्टडी किया, जब अध्ययन किया, तो इन्होंने पाया कि जो मटेरियल है ना ये एक ऊपर एक, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप ये हेक्सेन, ठीक है ना, ये आपका हेक्सा एल्कोनेट है ना, ये देखिए बेंजीन आपकी रिंग है, ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग है। अब देखेंगे यहाँ पे आपके चार छः होंगे ना, दो एक आपका ये है, दो तीन चार पाँच और छः, ठीक है ना, ये आपके एल्कोनेट है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बेंजीन हेक्सा एन एल्कोनेट ये आपका मॉलिक्यूल बना, ठीक है ना। अब इसी मॉलिक्यूल को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना। अब ये ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया उन्होंने, आपकी एक्सरे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जब इन्होंने ज्ञात किया कि जो ये मॉलिक्यूल हैं, जब लिक्विड क्रिस्टल इनका बन रहा है डिस्क टाइप में, तो एक के ऊपर एक, ठीक है, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल आपका था,
एक मालिक्यूल आपका ये, अब इसी मालिक्यूल को ऐसा कुछ इन्होंने देखेंगे ना आपका ये, देखिए कुछ ऐसा, ये आपका बीच में तो है ही, मतलब ये बीच की जो मालिक्यूल है वो है आपके ये बेंजीन टाइप। अब देखेंगे लेयरिंग फॉर्म में, एक आपकी लेयर हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये टॉप टू बॉटम कॉलम के रूप में अरेंज किए हुए हैं, उन्होंने देखा एक्सरे और ऑप्टिकल के माध्यम से, ठीक ना। तो यही इन्होंने इस डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल में इन्होंने पाया था, ठीक ना। तो यही आपका डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल हुआ। अब हम लोग बता दें कि कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल में पढ़ चुके हैं, डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो बनता है तीसरा टॉपिक वो आपका है बेंट लाइक या बनाना लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। उसको हम लोग देख लेते हैं, ये बनाना लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। ए न्यू सब क्लास ऑफ थर्मोटॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है ना, ये आपकी तीसरी है, ठीक है। पहले पता है बेंट मालिकुलर स्ट्रक्चर आर क्रिस्टल दैट कैन डिस्प्ले क्लासिकल न्यूमेटिक सीमेटिक एंड आल्सो न्यू टाइप ऑफ सीमेटिक लाइक फेज नोन एज बी फेज विच आर नंबर B1 to B8 होगा। सर यहाँ BS है, वहाँ B1 होगा, B8 बेस्ड ऑन द देयर क्रोनोलॉजिकल डिस्कवरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि देखिए, जैसे कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल हमने पढ़ा, ठीक है, उसी क्रम में उसके डिस्कोटिक पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बनाना लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो मालिक्यूल थे, देखिए कैलामेटिक में क्या था, रॉड लाइक थे, रॉड शेप स्ट्रक्चर थे, ठीक है। डिस्कोटिक में क्या थे, आपको डिस्क टाइप स्ट्रक्चर थे, ठीक है। अब बनाना लिक्विड क्रिस्टल में क्या बात की जा रही है, इसके जो मालिक्यूल है ना वो बेंट मालिक्यूलर, ठीक है ना, बेंट में है, ठीक है ना, बेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो बेंट होते हैं ना, थोड़ा सा मुड़ा उड़ा, ठीक है। मत बोलिएगा कि डिस्क टाइप है, ठीक है। देखिए डिस्क और बेंट में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझिए, ये बेंट मालिक्यूलर स्ट्रक्चर है। आर क्रिस्टल दैट कैन डिस्प्ले क्लासिकल, अब ये जो मालिक्यूल होते हैं ना बेंट लाइक जो मालिक्यूल होंगे, ये क्या करते हैं, ये आपके न्यूमेटिक सीमेटिक एंड सीमेटिक लाइक कहा जाए कि ये बनाना जो लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली वो बेंट तो मालिकुलर है, ठीक है ना। लेकिन ये न्यूमेटिक असीमेटिक जो होते हैं ना, हम लोग पढ़ा था, उसकी तरह भी ये कुछ बिहेव करते हैं, और इसीलिए इनको बोलते हैं बी फेज विच आर नंबर्ड फ्रॉम, ये आपका B1 होगा यहाँ पे, ठीक है, B1 to B8 बेस्ड ऑन द क्रोनोलॉजिकल डिस्कवरी, ठीक है ना। जैसे जैसे इस मालिक्यूल की जब इसकी डिस्कवरी हुई बनाना लाइक क्रिस्टल की, तो वो आपकी उन्होंने जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पहले ही डिस्कवरी किया, तो उसको हम लोग इसको B1 कर दिया, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि एक आर्डर जब इसकी डिस्कवरी होती गई, तो इसी क्रम इसको हम लोग B2 B3 इसको हम लोग लिखते गए, ठीक ना। जबकि लिक्विड क्रिस्टल जो बनाना लिक्विड क्रिस्टल है वो आपका एक ही, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, इसको हम लोग जैसे जैसे डिस्कवरी करते गए वैज्ञानिकों ने, तो इन्होंने B1 से B8 तक इनका एक आर्डर रह दिया, ठीक ना। दिस सिंबल बी डिपिक्ट बनाना आर बेंट आर बो सेप्ड मिसोजिन, ठीक है ना। इसको हम जो बनाना बेस्ड स्ट्रक्चर होता है बनाना लिक्विड क्रिस्टल का, उसको हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आर इसको हम बोल सकते हैं बेंट लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर बो सेप मिसोजिनी भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका बनाना लिक्विड क्रिस्टल हुआ। अब देखें द नोटिसबल फैक्टर इन बनाना लिक्विड क्रिस्टल इज पैकेजिंग ऑफ मालिक्यूल अलॉन्ग द बेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो इसके मालिक्यूल होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका कोई मिडिल में मालिक्यूल आपका है बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके जो साइड में जो मालिक्यूल होंगे ना वो बेंट टाइप होंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपके मालिक्यूल ये अरेंज होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ही बात की जा रही है कि नोटिसबल फैक्टर इन बनाना लिक्विड क्रिस्टल इज पैकेजिंग ऑफ मालिक्यूल अलॉन्ग बेंट डायरेक्शन, ठीक है ना। ये आपके बेंट डायरेक्शन में ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो मालिक्यूल की पैकेजिंग होती है इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। विच कंप्राइज ऑफ पोलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द टिल्ट प्लेन, ठीक है। अभी जो मालिक्यूल होगा ना, ये बनाना लाइक जो क्रिस्टल होगा, ये कैसे किससे बना होगा, यहाँ पे आपका पोलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो ठीक है, जो बेंट मालिक्यूल है ना वो आपके पोलर मालिक्यूल होंगे, ठीक है। एडिशनली द टिल्ट मालिक्यूल आर लेयर एंड मेकिंग अ लेयर पेन प्लेन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके ये भी पोलर हो जाएगा, ये भी पोलर आपका मालिक्यूल होगा, ठीक है ना। अब ये जानते हैं लेयर के फॉर्म में मालिक्यूल को बनाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये आपका मालिक्यूल है, ठीक है। अब देख लीजिए टिल्टेड फॉर्म में मालिक्यूल है, ये आपके पोलर है, ठीक है ना। पोलरिटी डायरेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी लिंकिंग ग्रुप, ठीक है, ये आपके लिंकिंग ग्रुप आपका ये XY, ठीक है, ये आपके वाई है, जो आपका एक्स है, ये लिंकिंग ग्रुप है। और ये जो मालिक्यूल है ये आपके ए पोलर है, ठीक है ना। जो आर आपका ये
लास्ट में ये टर्मिनल है, ठीक है, अंतिम मालिक्यूल है ये, और यहाँ पे सेम चीज़ें आपकी यहीं पे, ठीक है, ये भी हैं। तो कहने का मतलब था मालिक्यूल का, वहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो आपका मालिक्यूल होगा उसके बेंट डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये तिरछे में एलॉन्ग द डायरेक्शन, एलॉन्ग द, ठीक है, प्लेन, आप देख सकते हैं ये मालिक्यूल आपका बेंट मालिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे भी है, देख सकते हैं चीज़ें हुई हैं, और आपके जो मालिक्यूल है ये पोलर है, आपका ये भी पोलर है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं फिलहाल। और हेंस थ्री, एक चीज़ आप देखेंगे, आप हेंस थ्री यूनिक प्लेन एग्जिस्ट फॉर अ लेयर एंड कैन बी कंसिडर एज थ्री कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर इस चीज़ को देखें यहाँ पे, अगर हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस को देखेंगे ना कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे बनता है एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ये मालिक्यूल भी कुछ आप देखेंगे, अगर मान लीजिए मालिक्यूल कुछ हम लोग इसको घुमा देते हैं, कुछ इस प्रकार से कर देंगे, तो आप देखेंगे कुछ ये थ्री कोऑर्डिनेट बन है ना एक्स वाई जेड की बेसिस पे। अगर देखें यहाँ पे, ये आपका वाई हो जाता है, ये एक्स हो गया, और आपका ये जेड हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे जो मालिक्यूल है ये भी थ्री कोऑर्डिनेट, यहाँ पे थ्री निर्देशांक जिससे बोल बोलते हैं, यहाँ पे आपके ये बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मालिक्यूल आपके हैं उनमें थ्री कोऑर्डिनेट के प्लेन बन रहे हैं, ठीक है ना। एग्जिस्ट फॉर अ लेयर एंड कैन बी कंसिडर्ड एज थ्री कोऑर्डिनेट, ठीक है, आप देख ही चुके हैं इसमें। इफ दीज थ्री कोऑर्डिनेट फॉर्म स्पेसिफिक हैंडेडनेस, अब यहाँ पे क्या जो हैंडेडनेस है इसको बोलते क्या है, डिपेंडिंग ऑन द टिल्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है इसकी बात की जाती है, ठीक है, मान लीजिए एक मालिक्यूल आपका इधर है, ठीक है, ये टिल्टेड के डायरेक्शन में आपका जो अदर कोऑर्डिनेट है इसी को हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हैंडेडनेस, ठीक है, हैंडेडनेस। द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज डिपिक्ट द रिवर्स हैंडेडनेस, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, ये जो मालिक्यूल है ना, ये आपका नॉन सुपर इम्पोजल है, इम्पोजिबल है, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझ लीजिए, पहले हम लोग इस चीज़, जब हम लोगों ने क्या किया, इफ दिस थ्री कोऑर्डिनेट फॉर्म अ स्पेसिफिक हैंडेडनेस, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा था ये एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हम लोगों ने जब इसको देखा तो इसको हम लोग बोलते हैं हैंडेडनेस, ठीक है। अगर इसी को क्या किया गया, ये मालिक्यूल आपके होंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, जो मालिक्यूल है ना ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, और जब इन्हों को, जब इनका नॉन सुपर इम्पोजिबल मालिक्यूल है ये, तो इन्हों को हम लोग बोलते हैं रिवर्स हैंडेडनेस, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कि फिर आपके रिवर्स हैंडेडनेस, ठीक है, यही बात यहाँ की गई है। इफ दीज थ्री कोऑर्डिनेट फॉर्म स्पेसिफिक हैंडेडनेस, ठीक है, आपकी जो तीनों कोऑर्डिनेट है ये आपके स्पेसिफिक हैंडेडनेस फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये मालिक्यूल जो है ना, ये स्पेसिफिक हैंडेडनेस मालिक्यूल है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, ठीक है, और मिरर इमेज आपके हैं, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि जो मालिक्यूल हैं ये रिवर्स हैंडेडनेस भी हैं, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा होगा कठिन, लेकिन थोड़ा समझिए इस चीज़ को, सिंपल सी बात अगर की जाए, इन सब चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए, जो चीज़ हम बोल रहा हूँ चीज़ों को, तो अगर बात सिंपल से की जाए, जो आपका मालिक्यूल है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बेंट डायरेक्शन में मालिक्यूल, यहाँ पे जो पोलर होंगे वो अटैच होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका ये मालिक्यूल आपका पोलर अटैच होगा, और ये जो मालिक्यूल होगा ये आपका इसका मिरर इमेज निकालेंगे अगर, तो आपका होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। अगर ये आपका हैंडेडनेस मालिक्यूल है, ठीक है, तो आपका जो ये इसके बाद जो मालिक्यूल बनेगा, जब इसका सुपर इम्पोज मालिक्यूल बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स हैंडेडनेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यही की जा रही है, ठीक है ना। इतने जो भाषाएं लिखी गई हैं, सिंपल सी बात यही है कि अगर हम लोग जो मिरर इमेज नहीं है उसको बोल रहे हैं स्पेसिफिक हैंडेडनेस, और जो आपका मिरर इमेज है उसको हम लोग बोल रहे हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है उसको हम लोग बोल रहे हैं रिवर्स हैंडेडनेस, ठीक है। और आपके हैंडेडनेस कौन से क्या होते हैं, जिसमें जो मालिक्यूल आपका है जो थ्री कोऑर्डिनेट हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि वो हैंडेडनेस है, ठीक है ना। हम लोग अब लोग देख लेते हैं लाइटोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। अगर इसको देखें, कंपाउंड मेकिंग लाइटोट्रॉपिक मेसोफेज जनरली कंप्राइज ऑफ फ्लेक्सिबल लाइपोफिलिक चेन द टेल, ठीक है, जो लाइपोफिलिक चेन होती है उसको हम लोग टेल बोलते हैं, एंड पोलर आयनिक आर नॉन आयनिक हेड ग्रुप, ठीक है। अब सिंपल सी बात की जाए, जैसे आपका मालिक्यूल, ठीक है ना, ये आपका, ये आप बोले जाए तो ये आपका हेड है, ठीक है, ये आपका पोलर है, सॉरी, ये आपका आयनिक
ठीक है, ये आपका नॉन आयनिक होगा, ठीक है, ये आपका हेड ग्रुप है, और ये बोली जाए ये आपका होगा लाइपोफिलिक। अब लाइपोफिलिक क्या कहने का मतलब है, देखिए लाइपो होता है, लाइपोफिलिक का मतलब है वसा स्नेही, ठीक है ना, वसा स्नेही सिंपल सी इसकी बात की जाती है, ठीक है, या फिर इसको बोल लेते हैं ये आपका लाइपो का मतलब हुआ लिपिड, ठीक है ना, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, ठीक है ना, जो लिपिड को मतलब वसा को जो प्यार करे, जो अपने आप रखे, ठीक है, अपने में रखे, उसे हम बोलते हैं लाइपोफिलिक चेन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ये लाइटोट्रॉपिक मॉलिक्यूल होंगे, जिसके क्रिस्टल होंगे, यहाँ पे जो टेल पोर्शन होगा, टेल, ठीक है, ये टेल आपका, ये आपका लाइपोफिलिक नेचर होगा, वसा से नहीं होगा, और जिसका हेड पोर्शन होगा वो आयनिक होगा या फिर नॉन आयनिक होगा, ठीक है, या फिर आपके ये पोलर होंगे, ठीक है ना, ये इसकी खास बात रहेगी, ठीक है। बोला जाए आपका जो ये पोलर रहेगा, सिंपल सी बात है, और आपका ये टेल इसका जो पोर्शन होगा वो होगा लाइपोफिलिक नेचर, ठीक है, जिसको वसा से नहीं बोलते हैं। ट्रेल इज एल्काइल चेन एंड कंप्राइज ऑफ 6R20 मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। अब इस चीज़ को देखेंगे ना, ये जो आपका ट्रेल वाला जो पोर्शन है इसकी बात की जाती है, ठीक है, ये पहली बात हम लोगों ने इस्तेमाल किया, देखा ये आपका ये लाइपोफिलिक नेचर है, ठीक है, इसका जो नेचर है लाइपोफिलिक नेचर, ठीक है ना, इसका जो बिहेवियर है कहा जाए तो। अब ये जो लाइपोफिलिक नेचर, ठीक है, इसकी बात तो ठीक है अपनी। अब ट्रेल जो इसकी जो उसकी पूंछ की जो लंबाई होगी कहा जाए, ठीक है, उसकी होगी आपकी 6 से 20 मिथाइलिन मॉलिक्यूल यहाँ पे इसके साथ जुड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। और आपका हेड जो ग्रुप होगा वो आपका आयनिक होगा, नॉन आयनिक होगा, ठीक है, या फिर आपका पोलर होगा। तो इसको हम देख सकते हैं, हेड कैन बी आयनिक, ज्यूटर आयनिक एंड नॉन आयनिक, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें समझ लीजिए कि जो आपका टेल होगा वो आपका होगा लाइपोफिलिक इन नेचर, जहाँ पे 6 से 20 तक मिथाइलिन मॉलिक्यूल आपके जुड़े होंगे, जबकि हेड के पोर्शन जो होगा वो आपका आयनिक होगा, ज्यूटर आयनिक होगा और वो आपके नॉन आयनिक हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ज्यूटर आयन देखेंगे तो कुछ आपके इस प्रकार से बनते हैं, जहाँ देखिए ज्यूटर आयन में ना, ज्यूटर आयन में आपके एसिड और बेस दोनों एक साथ होते हैं, ठीक ना, तो आप देख सकते हैं आपका ये आपका हुआ और ये आपका ये हुआ, ठीक है ना, आपका ये एसिड है, ठीक है, आपका ये बेस है, ठीक है ना, तो ये आपके एसिड और बेस एक साथ हैं, जिसे हमने बोले ज्यूटर आयन, ठीक है ना। ज्यूटर आयन आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये आयनिक है मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये आपके आयनिक है, देखिए इसको प्लस माइनस जहाँ पे रहेंगे अलग अलग आपके आयनिक है वो, और आपका ये है एक नॉन आयनिक, ठीक है ना, जहाँ पे कोई भी आयन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से हेड जो मॉलिक्यूल होंगे उसके पास आयनिक होंगे, नॉन आयनिक होंगे, या फिर वो ज्यूटर आयन भी उसके पास हो सकते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं को तीनों को कंबाइन फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका हेड होगा वो पोलर ग्रुप होगा। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ऑफ द एम्फीफाइल इन द सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर मेनी मेसोफिल कैन बी सीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जाती है, जैसे लाइटोट्रॉपिक में हम लोगों ने जैसे थर्मोट्रॉपिक में क्या था ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, ठीक है, वो तापमान पर निर्भर करता था, जो हम सिंपल सी बात है थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल से जितने भी लिक्विड क्रिस्टल बने थे वो टेम्परेचर के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है ना। अब जो लाइटोट्रॉपिक क्रिस्टल बना रहे हैं हम लोग, इसमें कंसंट्रेशन, ठीक है, जो सांद्रता होती है और सॉल्वेंट आपका कैसा है उस पर वो निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही बोला जा रहा है कि बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ऑफ द एम्फीफाइल्स इन द सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर मेनी मेसोफिल्स कैन बी सीन, ठीक है। अगर इसे समझना चाहें, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए कुछ लिक्विड क्रिस्टल हम लोग बनाए हैं, तब वहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी कुछ मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन अलग होगी, कुछ आपके सॉल्वेंट अलग होंगे उनमें, कुछ वहाँ पे एम्फीफाइल इन नेचर होंगे। एम्फीफाइल मतलब होता है कि जो पोलर, जैसे क्या था कि पोलर और नॉन पोलर दोनों को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना। एम्फीफाइल मतलब दोनों, जिनके पास दोनों गुण हो, ठीक है, और जो पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करते हों और निगेटिव को भी अट्रैक्ट करते हों, ठीक है ना, सिंपल सी बात यह है। अब जो यहाँ पे हम लोगों ने जो क्रिस्टल बनाया, ठीक है ना, अभी मान लीजिए आपका लाइटोट्रॉपिक क्रिस्टल बन चुका है इस केस में, ठीक है ना। अगर हम उसको सॉल्वेंट के बेस पे देखें और कंसंट्रेशन के बेस पे देखें और टेम्परेचर के बेस पे देखेंगे ना, इनमें कोई एक लेयर, कोई कई लेयर बनती है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि अगर हम बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें, जो सॉल्वेंट के बेस पे देखें, कंसंट्रेशन के बेस पे देखें और टेम्परेचर के बेस पे देखेंगे, तो हमें कई लेयर मिलती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, दे आर मेड बाई द सेपरेशन ऑफ इनकॉम्पिटिबल पार्ट्स ऑफ यूनिट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बनते कैसे हैं, यहाँ पे क्या है, ये जैसे
सॉल्वेंट है, कंसंट्रेशन है और टेम्परेचर है। जो मालिक्यूल हम यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग के प्रकार के, जो मालिक्यूल हम लोग देख रहे हैं बनते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनमें कहा जाए जो सॉल्वेंट का जो अपना होगा बिहेवियर, कंसंट्रेशन वाले का अपना एक अलग बिहेवियर होगा और टेम्परेचर वाले का एक अपना बिहेवियर होगा, ठीक है ना। तो बोला जाए कि इन जो तीनों चारों चीज़ें हैं इनकी एक असंगत बिहेवियर की वजह से यहाँ पे हमें एक अलग से लेयर मिलती है, ठीक है, अलग अलग लेयर मिलती है। इसी को लिए हम बोला जा रहा है कि यह जो बन रहे हैं, जो अलग अलग टाइप के यहाँ पे लेयरिंग बन रही है, वो कैसे बन रही है, क्योंकि इनमें इनका बिहेवियर जो है असंगत है, ठीक है, समान नहीं है। इनका बिहेवियर सॉल्वेंट वाले लेयर की अलग बिहेवियर है, कंसंट्रेशन वाले लेयर की अलग बिहेवियर है और जो ये टेम्परेचर वाले लेयर की अलग बिहेवियर है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लेयरिंग देख रहे हैं, ठीक है ना। कई प्रकार से लेयरिंग देख रहे हैं, या फिर जो मीजोफेस बनते हैं ना, जो आपने देखा था सॉलिड से जब लिक्विड हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे देखा था ना कि जो इसके बीच की जो अवस्था बनती है उसको हम लोग बोलते हैं मीजोफेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीजोफेज की बात की जा रही है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के मीजोफेज बनते हैं, ठीक है ना। व्हेन एम्फिफिलिक मॉलिक्यूल आर मिक्स्ड विथ पोलर सॉल्वेंट टू मालिकुलर मिक्सचर आर ऑब्जर्व, ठीक है, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है। अब करते हैं क्या है, जो हम लोगों ने अभी बनाया, जो बन गया है लाइटोट्रॉपिक क्रिस्टल कहा जाए, तो अब उसमें क्या किया जाता है कि एम्फिफिलिक मालिक्यूल है, ठीक है। एम्फिफिलिक मालिक्यूल क्या होते हैं बताया मैंने, कि एम्फिफिलिक जो मालिक्यूल था वो कहा जाए इनका दोनों तरह बिहेव करते हैं, ठीक ना। आपके पॉजिटिव जो मालिक्यूल होंगे उनको भी अपने ओर अट्रैक्ट करेंगे, जो निगेटिव मालिक्यूल होंगे, ठीक है, उनको भी नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बोला जाए बेसिकली कि आपकी ये फिलिक जो होगा ना, मान लीजिए आपको कोई मालिक्यूल आपका, मान लीजिए एक हाइड्रोफिलिक मालिक्यूल है, ठीक है ना, ये अपने आप इसको भी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक जो होते हैं उनको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब कि ये दोनों से अट्रैक्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हो, जो पानी से दूर जाता हो, हाइड्रोफिलिक मतलब हो जो पानी के ज़्यादा पास आता हो। तो एम्फिफिलिक ऐसे होते हैं जो दोनों से अपने आप को बना के रखते हैं, दोनों से संबंध अपना बना के रखते हैं, ठीक है ना। तो ये एम्फिफिलिक की ऐसे कुछ बात होती है। तो अब करते क्या है, अब उसी अगर मालिक्यूल में अगर हम लोगों ने एम्फिफिलिक मालिक्यूल डाल देते हैं और उसका कंसंट्रेशन काफ़ी लो रखते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या होता है उसको हम लोग देखने जाते हैं, ठीक ना। तो व्हेन एम्फिफिलिक मालिक्यूल आर मिक्स्ड विथ पोलर सॉल्वेंट टू मालिक्यूलर मिक्सचर आर ऑब्जर्व, ठीक है। अब करते क्या है कि जैसे हम लोगों ने देखा था जो सॉल्वेंट थे, डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट थे वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको ये जो मालिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन और एम्फिफिलिक, हम लोग क्या देखा था कि इनको जो नेचर था, इनके नेचर की वजह से तो उनको हम लोग अलग कर पाए थे। अब क्या किया गया यहाँ पे, जब हम लोगों ने एम्फिफिलिक मालिक्यूलर जब डाल दिया गया, तो जो इनके अलग अलग नेचर थे वो दोनों को बता रहा है कि जो आपके जो आपसे दूर जा रहे हैं और जो आपसे पास आ रहे हैं, ठीक ना, वो दोनों को अट्रैक्ट करता है। तब जो एम्फिफिलिक जो मालिक्यूल होगा वो दोनों को अपने इसमें इंटरेक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से हमें एक जिससे ट्रू मालिक्यूलर मिक्सचर हमें मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही बात की जाती है कि जो एम्फिफिलिक मालिक्यूल हम उसमें डाल देते हैं, जो मालिक्यूल बनेगा वो हमें ट्रू मालिक्यूलर मिक्सचर बनता है, ठीक है ना। एबव क्रिटिकल कंसंट्रेशन मिसिल, ठीक है, अब मिसिल्स क्या होते हैं, आर स्मॉल एग्रीगेट ऑफ फिक्स्ड साइज, ठीक है। आपके मालिक्यूल होते हैं जो मिसिल्स होते हैं, बेसिकली ये छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं और इनकी साइज जो होती है एक ही होती है और एक समूह में रहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इस प्रकार से मान लीजिए छोटे छोटे मालिक्यूल होंगे, इनकी साइज भी फिक्स होगी और इस प्रकार से ये रहते हैं, तो यहाँ पर यही बात है, ठीक है। आर फॉर्म्ड मेकिंग द पोलर ग्रुप ऑक्यूपाई द इंड टूवर्ड्स द पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब कहा किया जाता है कि अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे हम लोग, पहली बात तो क्या बन रहा है, आपके मिसल्स बन रहा है, ठीक है ना। अब जो मिसल्स होंगे ना, ये जो पोलर ग्रुप होंगे उसके ऊपर जाके ये इकट्ठा हो जाते हैं। अब कब इकट्ठा होते हैं, एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे। क्रिटिकल कंसंट्रेशन में क्या होगा कि जो मिसल्स होंगे, जो पोलर मालिक्यूल होंगे ना, पोलर साइड से आपने देखा था टेल था, ठीक है, और हेड था, बताया था हेड आपके जो पोलर मालिक्यूल होते हैं, पोलर टाइप होते हैं। तो कहा जाए हेड साइड में ये जो मालिक्यूल होंगे ना, एक मिसल्स जो होंगे वो जाके चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोलर में इकट्ठा चिपक जाते हैं, ठीक है, पोलर साइड पे, ठीक है। तो ऑक्यूपाई द इन टूवर्ड्स द पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, यहाँ पे ही बात की जा रही है। दे आर स्फेरिकली शेप्ड हैविंग साइज ऑफ फ्यू मॉलिक्यूलर लेंथ, ठीक है। अब इनका जो शेप होता है वो कैसा होगा, वो गोलाकार शेप होता है और इनकी साइज जो होती है कुछ मालिक्यूल तक इनकी लेंथ होती है, ठीक है ना, कहा जाए तो।
आफ्टर इंक्रीजिंग द सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन मिसेल्स चेंज टू डिस्क-लाइक। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है कि इसके पहले दिन हमने देखा था कि कंसंट्रेशन हमने लो रखा था, ठीक ना। अब क्या किया जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन जो सर्फेक्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। जब सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन जब बढ़ा रहे हैं, जो मालिक्यूल इसके पहले हमने देखा था, मालिक्यूल जो इसके थे, अब डिस्क टाइप इसके बन जा रहे हैं। ठीक है, इसका जो शेप बन जा रहा है वो आपका वो डिस्क टाइप बन रहा है और सिलेंड्रिकल बन रहा है और प्लेट टाइप इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज़ समझिए, अभी तक जो हमने देखा, अब उस कंडीशन में क्या किया हम लोगों ने, सर्फेक्टेंट के जो कंसंट्रेशन थे इसका हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो इस केस में क्या रहा है, जो मालिक्यूल की शेप हैं वो कैसे बन जा रहे हैं, वो डिस्क टाइप बन रहे हैं, सिलेंड्रिकल बन रहे हैं, ठीक है, बेलनाकार इसे बोलते हैं, और आपके प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बन जा रहे हैं, प्लेट लाइक सुपर मालिकुलर एग्रीगेट विच अरेंज द सेल इनटू मेनी निमेटिक क्यूबिक हेक्सागोनल कॉलम एंड लैमिनर लैटोट्रॉफिक मेसोफिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल यही बात की जा रही है कि जब हम लोगों ने सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है तो जो इसके मालिक्यूल जो बन रहे हैं वो आपके बन रहे हैं प्लेट लाइक बन रहे हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल बन रहे हैं, डिस्क लाइक बन रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहे हैं, ये इनका जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन बढ़ाया ना, तो ये हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था निमेटिक सिमेटिक और क्यूबिक, ठीक है ना, हम लोग फिलहाल हम लोग जो पढ़ा था वो निमेटिक और सिमेटिक बस पढ़ा था, ठीक है। तो जो निमेटिक में हम लोग देखा था कि निमेटिक टाइप जो मालिक्यूल होते हैं वो बन जाते हैं इसी में, ठीक है, जब हम लोगों ने बात की जब सर्फेक्टेंट का जो कंसंट्रेशन हम जो बढ़ा दिया उस कंडीशन में क्या है कि जो आपके डिस्क टाइप तो सिलेंडर टाइप और प्लेट टाइप तो स्ट्रक्चर बनी रहे हैं मालिक्यूल, ठीक है ना, इसमें जो मालिक्यूल एग्रीगेट करके, ठीक, एग्रीगेट मतलब क्या हुआ, ये मालिक्यूल है ना ये सब इकट्ठा हो जा रहे हैं और इकट्ठा होकर आपके कैसे बन जा रहे हैं, फिर ये निमेटिक मालिक्यूल बन जा रहे हैं, क्यूबिकल मालिक्यूल बन जा रहे हैं आपके हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल मतलब वो क्या कुछ इस प्रकार से मालिक्यूल, ठीक है ना, आपके हेक्सागोनल टाइप मालिक्यूल बन जा रहे हैं, ठीक है, और लैमिनार लाइटोट्रॉफिक मेसोफिल्स ये बना रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात कही जाए तो, ठीक है ना। अब इसको अगर एग्जांपल के तौर पर हम समझना चाहें कि डिजोल्यूशन ऑफ सोप इन वाटर इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ लाइटोट्रॉफिक फेज, ठीक है। अगर यहाँ पे बताया जाता है कि जो साबुन होता है अगर इसको पानी में हम डुबा देते हैं तो आप लोग देखा होगा कि अगर पानी में अगर हम साबुन को थोड़ा बहुत घुलते हैं तो आप देखा होगा कम बुलबुले बनते हैं जिसकी वजह से एक दो रह जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यही मात्रा हम लोग ज़्यादा घुला देते हैं तो ये एक ऊपर एक चिपक जाते हैं, देखेंगे आप उसका शेप जो होता है वो अलग अलग बन जाता है, कभी वो क्यूबिक बन जाएगा, कभी आपका हेक्सागोनल बन जाएगा, तो अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो सिमेट्रिक भी बन सकता है, ठीक है, निमेटिक भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है इसका जो एग्जाम्पल होगा आपका, सो पानी में अगर हम साबुन को घोलेंगे तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल बनता है आपका लाइटोट्रॉपिक का, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यही दे सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।